नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में लगातार राजनीति घमासान जारी है और इन दिनों ईडी की रेड भी हम देख रहे हैं कि जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी अपना काम करती हुई नजर आ रही है। और ऐसा ही डर दिग्विजय सिंह ने अपना जाहिर किया था कि आप कुछ दिन और रुकिए और ईडी को आप मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई करते हुए पाएंगे। किन नेताओं पर? विपक्षी नेताओं पर। यह बड़ी बात दिग्विजय सिंह ने कही थी और अब कमलनाथ ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस दावे में उन्होंने क्या कहा, भाजपा को लेकर बड़ी बात यहाँ वो कहते हुए नजर आए हैं। जब पीछे पीछे आ रहे हैं और अरे भाई दिग्विजय सिंह और जितेंद्र मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, चलिए आप शुरू करें, बताइए। सर लगातार बीजेपी में नाराजगी देखने को मिल रही है, बहुत सारे बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, वो सब सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनको मतदाताओं की भावना समझ आ रही है और इसीलिए वो चाहते हैं तो कांग्रेस में ज्वाइन करें। सर प्रदेश में लगातार प्याज महंगी होती जा रही है। सर प्याज त्योहार का सीजन है, 80 रुपए किलो चल रही है। सर मुद्दा बनाएगी कांग्रेस सर प्याज? प्याज लोगों की आंखों में आंसू लगा रही है, डाल रही है। ये प्याज की महंगाई तो एक महंगाई है, कौन सी महंगाई नहीं है। महंगाई से हमारे मध्य प्रदेश की जनता भुगती है पिछले सालों में और अब प्याज की महंगाई शुरू हो गई। सर केजरीवाल को ईडी ने संबंध किया है फिर से? सर अब केजरीवाल से पूछिए। देखिए सर, 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 सर आप लोगों के महत्वपूर्ण बैठक हुई, सर क्या रणनीति बना रहे हैं? सर हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी के, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई? नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। तो सुना आपने, यहाँ पर कमलनाथ कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा के कई नेता उनके संपर्क में हैं और यहाँ पर वो जल्द ही बीजेपी का झूठ छोड़ के कांग्रेस की सच्चाई के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मतदाताओं का दिल पढ़ लिया है। मतदाताओं के दिमाग दिल की बात वो जान चुके हैं कि मतदाता क्या चाहते हैं। बीजेपी जहाँ लगातार शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाकर यहाँ पर झूठ पेश कर रही है, यहाँ पर लगातार महंगाई बढ़ रही है, प्रदेश में निचले तबकों पर किस तरीके से जुल्म हो रहा है ये किसी से नहीं छुपा। लगातार यहाँ पर कमलनाथ इसी चीज़ पर वार करते हुए, किसानों की बात वो यहाँ करते हुए नजर आए और साथ ही साथ बड़ा दावा किया कि बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि उनके नेताओं की एंट्री अब कांग्रेस में ठीक चुनाव से पहले होने वाली है और अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी पहले से यहाँ पर कई बिंदुओं पर चर्चा कर रही है। सीएम चेहरा ना लाना, सिंधिया को सीट ना मिलना, ये कई बिंदु हैं जहां पर बीजेपी फंस रही है और यहां पर जनता का भी विश्वास जो है डामाडोल बीजेपी से होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि इस दावों में कितनी सच्चाई है, कितने नेता यहां कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और बीजेपी को धोखा देते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।